इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। तनेजा फिल्म के बैनर तले बनी हिंदी फिल्म आई एम नॉट अ प्लेयर का सॉन्ग रिकॉर्डिंग मुंबई में किया गया। फिल्म निर्देशक का कहना है कि यह पहली फिल्म है जो किक बॉक्सिंग पर आधारित है। निर्माता अक्षरा क्रिएशन और अनिल तनेजा है। सिंगर रानी रानी शर्मा, आज मैं यहाँ पे एक गाना गाने आई हूँ। दैट्स अ आइटम सॉन्ग और द मूवी का नाम है आई एम नॉट अ प्लेयर। तो म्यूजिक दिया है राहुल भट्ट ने जी। बहुत अच्छा गाना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को मतलब गाने के लिए। मैं मेरे हिसाब से एज ए सिंगर मैं बोलूँगी साथ जितने टाइप के गाने होते हैं, जैसे रोमांटिक सॉन्ग है, सेडक्टिव टाइप ऑफ सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, सब सब बहुत अच्छे सेक्शंस ऑफ द सॉन्ग जो हमारे इंडियन मूवीज़ में यूज़ होते हैं। आइटम सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है अभी, बिकॉज व्यूअर्स लिसनर्स बहुत सुनना, उसमें थिरकना, क्लब डिस्क सब में बहुत पसंद। फिल्म मुझे साहब मेहता जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, तो बस इन्हीं के ही। मेरा एक गांव वाले बॉक्सर का किरदार है जो एक गांव से उठ करके और बॉक्सिंग के गेम में कुछ कमियां रह जाती हैं जिसे वो पर्दे पर अच्छी तरह से लाने की कोशिश कर रहा है। और बस चांद मेहता जी से जुड़े हैं, पहले भी काम किया हमने इनके साथ, तो उनको अच्छा लगा हमें इनका। अच्छा। तो कुछ हरियाणा से हम। अच्छा। तो जैसे हरियाणा में जो चीज़ है वो सबको पता है, असली ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म खेल के ऊपर है ये फिल्म, जो बनाने की हमें एक इच्छा हुई, एक क्यूरियोसिटी है, एक प्लानिंग है हमारी। तो फिल्म का सबसे पहला हमारा बनाने का मीनिंग्स ये है कि फिल्म खेलों के ऊपर आई है, क्रिकेट के ऊपर आई है एंड बॉक्सिंग के ऊपर आई है, लेकिन किक बॉक्सिंग के ऊपर ये फर्स्ट फिल्म होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक रीड किया है, जो एनालाइज किया है, सही है। तो इस फिल्म में हमने किक बॉक्सिंग को एक साथ में, अभी एक फिल्म इससे पहले आई थी मैरी कॉम, बट वो बॉक्सिंग थी, इसमें किक बॉक्सिंग है, बट इसमें किक बॉक्सिंग है। इस फिल्म को, अच्छा दूसरा सवाल का जवाब ये है कि इस फिल्म को मैं जो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैं क्रिकेट से कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर टू क्रिकेट। किक बॉक्सिंग में क्या होता है, इंसान जान से लड़ता है, अपने जीवन से लड़ जाता है, लोग कोमा तक में चले जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है क्रिकेट में, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, बट क्रिकेट में क्या होता है, अगर क्रिकेट में आप एक छक्का मार देते हैं तो लोग उछल पड़ते हैं, और उनको जीत जाते हैं तो उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको लोग पटाखे फोड़ते हैं। उनकी ये फिल्म आई एम नॉट अ प्लेयर, ये फिल्म किक बॉक्सिंग के ऊपर है और इसमें मैं एक बहुत ही अपने किरदार से, अपने असल मायने के किरदार से बिल्कुल ऑपोजिट किरदार निभा रही हूँ, जिसमें कि मेरा जो पार्टनर है, आई मीन मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो एक किकबॉक्सिंग प्लेयर है और उसमें थोड़ा सा मेरा पोजेसिवनेस एंड देन मी सपोर्टिंग हिम फॉर हिज करियर गोल, ऐसा कुछ किरदार है। दिस इज अबाउट लाइफ ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं द रियल हीरोज राइट, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये उनके बारे में है। अगर आप देखें तो जैसे हम लोग अभिनेत्री अभिनेता, हम सबको माना जाता है हीरोज़ एंड हीरोइंस, देर आर अदर पीपल एज वेल हु आर द रियल लाइफ हीरोज। सो सेम थिंग अभी तक क्रिकेट के ऊपर बन चुकी है फिल्म और फुटबॉल के ऊपर बन चुकी है, इनफैक्ट कबड्डी के ऊपर बन चुकी है, नाउ दिस इज़ अ फिल्म अबाउट किक बॉक्सिंग। तो किक बॉक्सिंग के ऊपर है ये, उस लड़के के बारे में कहानी है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से यानी कि मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बट थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती हूँ कि ये शोहरत मिलने के बाद बदल ना जाए। आइटम सॉन्ग टाइप का गाना है और बहुत अच्छा गाना बना हुआ है। और मैम क्या मतलब कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा साथ में काम करने का? चांद जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है, मेरे अच्छे दोस्त है काफ़ी सालों से, जो भी फिल्में करते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियो वगैरह करते रहते, सब में मैं काम करता रहता हूँ उनके साथ में, और अच्छा लगता है काम कर। अभी फिल्म का कर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी गाना बहुत अच्छा है, आएगा तो सबको सुनने में मज़ा आएगा। अच्छा
रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।